हर मोर्चे पर भारत पर तंज कसने वाले इमरान खान इन दिनों भारत की तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं। इन तारीफों की वजह है उन पर मंडराता सियासी संकट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब कभी भी जा सकती है। इस बीच इमरान खान के सबसे करीब रहने वाली उनकी एक्स वाइफ रहम खान उनकी विलन बनी हुई है। रहम खान उनकी कड़ी आलोचना कर रही है, तो चलिए आपको बताते हैं कि रहम खान ने क्या कहा और वो क्यों अपने एक्स हबी की आलोचना कर रही है। इन दिनों पाकिस्तान में इमरान सरकार के अल्पमत में आने के दावे किए जा रहे हैं। विपक्षी नेता तो उनसे इस्तीफा तक मांग रहे हैं। जिन सहयोगियों के दम पर इमरान खान प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उन्होंने भी नेशनल असेंबली में हाथ खींच लिए हैं। इमरान खान का वक्त फिलहाल उनका साथ नहीं दे रहा है। अब वक्त की मार तो इंसान झेल भी ले, लेकिन अपनों की या कभी अपने रहे लोगों के हमले कैसे झेले, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिंदगी भर साथ निभाने वाली और कभी साथ ना छोड़ने वाली उनकी एक्स वाइफ रहम खान इमरान खान की विलेन बनी हुई है। रहम खान ने इमरान खान पर गंभीर आरोप लगाए, आरोप भी एक दो नहीं पूरी की पूरी लड़ी लगा दी। रहम खान ने इमरान खान को इतिहास बता दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, इमरान खान अब इतिहास बन चुके हैं। नया पाकिस्तान के नाम पर जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, उन्हें ठीक करने पर हमें ध्यान देना होगा। एक और ट्वीट में रहम ने इमरान पर चौतरफा हमला किया। उन्होंने लिखा, इमरान खान ने एक बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने हर सेक्टर में बेवकूफ लोगों को ढूंढ निकाला है। हालांकि रहम का इमरान पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। रहम खान को अक्सर इमरान खान की आलोचना करते हुए देखा जाता है। अब देखना होगा कि रहम खान ने जैसा कहा कि इमरान खान इतिहास बन चुके हैं, ये बात सच होगी या फिर इमरान खान कुछ करिश्मा कर अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो पाएंगे। पाकिस्तान की सियासत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।